हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8 और आज ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ बैठी हूँ सुबह सुबह, तो मैं अपने घर के ऊपर ही बैठी हूँ खेत में। तो मैं यहाँ पे पानी भरने के लिए आई थी क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े और सफाई मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और आज का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है, थोड़ी थोड़ी धूप है, मेरी आइज में भी पड़ रही है, बाकी बादल भी है, धूप भी है, तो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम नहीं है आज, ठीक है मौसम। पिछले कल जो है थोड़ी हल्की सी बारिश हुई 5-10 मिनट के लिए, फिर रुक गई थी। तो चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज का मेरा पूरा दिन का जो भी रहेगा वो मैं आपसे शेयर करूंगी। सो बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक और वीडियो को बहुत सारा प्यार दे जैसा मुझे देते आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच और चलिए करते हैं आज के व्लॉग को शुरू। तो ये है जी आज का व्यू और देख सकते हो आप बादल काफ़ी हो रखे हैं और धूप भी है, यहाँ ऊपर धूप है और पहाड़ों में बर्फ है। बाकी ये मेरे घर से सामने का व्यू है और ये है जी मेरा गांव। तो आज भी जो है हमारे गांव में एक शुकुत है, तो सामने मंदिर है उधर और वहां पे अभी बजा रहे हैं। ये है जी हमारा मंदिर। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. अभी मेरे घर से यहाँ से आगे देवता जी ले जाएंगे, तो ये घास काफी बड़े हो गए, तो सबसे पहले मैं इसको काटूंगी। काफ़ी लंबे होंगे तो घास काफ़ी नीचे है दीवार में, तो इसको ऐसे ही काटना पड़ेगा इससे, क्योंकि दूसरे से तो काटा नहीं जाएगा। तो अभी जो है देवता जी मंदिर में है, इसी बात जो है देवता जी जहाँ पे शुकुत होगा, शुकुत वाले घर पे जाएंगे और मेरे घर के नीचे से जाएंगे, तो मैं आपको हमारे देवता जी श्री बेरिंग नाग जी के दर्शन करवाऊँगी। जी वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10 और कपड़े धो के मैं फ्री हो गई हूँ, बस अभी कपड़े सुखाने बाकी हैं। और मौसम जो है बादल है, बीच बीच में काफ़ी तेज़ धूप भी आ रही है, तो एक बार मैं कपड़े सुखा देती हूँ। उसके बाद जो है मेरे घर के नीचे पार्किंग वाले एरिया में काफ़ी दिनों से एक बैल है, जब से मैं सोलन से आई हूँ तब से एक बैल है यहाँ पर,
तो उसको मैंने सुबह जो है पानी भी दे दिया था और हरी घास भी दे दी थी। अभी जो है मैं थोड़ी देर में उसको सूखी घास दूंगी। और बड़े दिनों से वो बीमार चल रहा था, अभी थोड़ा ठीक है। आज थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, घास भी प्रॉपरली खा ही रहा है आज तो। तो चलिए जी, कर अभी फटाफट से एक बार कपड़े सुखाती हूँ, फिर उसको घास देती हूँ, फिर आगे का देखते हैं आगे क्या रहता है। चलो चलते हैं। अपनी शॉप पे हूँ और आज मेरे पड़ोस में शादी थी दीदी की, मैं तो गई नहीं, भैया और मम्मी गए थे। तो ये है जी दुल्हन की गाड़ी, अभी दुल्हन आ रहे हैं। और ये है जी बराती। चलो पगी चलते हैं आज। हाँ, चलो ओला से। तो दुल्हन की गाड़ी यहाँ से जा चुकी है और अभी पीछे से भी बराती भी जा रहे हैं धीरे धीरे। और अभी जो है मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो है शॉप का जितना भी अभी थोड़ा बहुत काम रहता है उसको निपटा के सीधे मैं घर चलती हूँ और आपसे जो है मैं घर पर ही मिलूँगी। हेलो जी, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और देवता जी को जो है शुकुत वाले घर से अब मंदिर की ओर ले जाया जा रहा है। तो बेसिकली ये मेरा पुराना व्लॉग है जब मैं गाँव गई थी तब का, तो मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप सभी को पता है कि सांगला में कितनी ज़्यादा बाढ़ आई है और कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है इस वजह से। तो फाइनली आज मैं इस व्लॉग को अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और जल्दी मैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।